चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बार मैग्नेट इज प्लेस नॉर्थ साउथ विथ इट्स नॉर्थ पोल ड्यू नॉर्थ, द पॉइंट्स ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ये बनाया हमने ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ इधर बना दिया, साउथ इधर बना दिया, ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है। अगर मैं एक बार मैग्नेट रखता हूँ, ध्यान से देखना, और नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमने नॉर्थ पोल रखा, साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन में लिखा है ना, विथ विथ इट्स नॉर्थ पोल ड्यू नॉर्थ, ठीक है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है। तो अगर मैं चार पॉइंट लेता हूं, ठीक है, करेक्ट, तो इन चारों पॉइंट पे क्योंकि नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चारों पॉइंट पे एक ही होगा, स्मॉल डिस्टेंस है ना, स्मॉल डिस्टेंस में तो एक ही रहेगा डायरेक्शन, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का बीई कह देते हैं हम इसको, बीई, करेक्ट है। लेकिन इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलती है और इधर इंटर करती है, यहां से ऐसे निकलेगी, इसको दूसरे कलर से मैं शो करता हूँ, दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगी और ऐसे करके इधर से बाहर निकलेगी और फिर ये चली जाएगी इसके अंदर, करेक्ट है। सिमिलरली इधर से निकलेगी, ऐसे जाएगी और ये होते हुए फिर इसके अंदर इंटर करेगी, तो और इसमें फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, इसमें फील्ड लाइन ऐसे ही आएंगी, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही केसेस में जुड़ रही है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे ऐड होगी, जबकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसके, इसको बी कह दो, इसको बी कह दो और इसको भी बी कह दो, तो बी और बी ई दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए किसी तरह, तो यहाँ नल पॉइंट हो जाएगा, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो जाएगी और यहाँ पर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो जुड़ेगी ना, ऊपर और नीचे जुड़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन सेम है, बराबर भी होगा तब भी जुड़ना ही है, जबकि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये पॉइंट ईस्ट पॉइंट है, ये ईस्ट पॉइंट कहलाएगा, ये वेस्ट पॉइंट कहलाएगा, तो ईस्ट और वेस्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट एंड वेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।